इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त महाराष्ट्र में भी राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। एंटीलिया केस में क्राइम ब्रांच के अफसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से जबरदस्त सियासी तूफान मचा हुआ है। थोड़ी देर पहले ही मुंबई क्राइम ब्रांच में जॉइंट सीपी मिलिंद भ्रामरे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। ये मीटिंग उद्धव ठाकरे के घर वर्षा पर हुई। पिछले करीब आधे घंटे से मुख्यमंत्री के साथ जॉइंट सीपी बारम्बे की बैठक जारी है। बातचीत की डिटेल अब तक पता नहीं चली है, लेकिन मुंबई पुलिस के बड़े अफसर के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले शिवसेना के मंत्री अनिल परब भी उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग कर चुके हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि मनसुख हिरेन के भाई विनोद और बड़े बेटे मीत को थाने एटीएस की टीम अपने दफ्तर पूछताछ के लिए ले गई है। एंटीलिया विस्फोटक मामले में सचिन वाजे पर आज सुबह से चार बड़े सनसनीखेज खुलासे हो चुके हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि अंबानी हाउस के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे जो इनोवा गाड़ी दिखी थी उसका इस्तेमाल सचिन वाजे करता था। यही कार नंबर प्लेट बदल बदल कर कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी दिखी। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि क्या अंबानी हाउस के बाहर पीपीई किट में दिखा शख्स सचिन वाजे है। इसके अलावा सचिन वाजे की इमारत में लगी सीसीटीवी का डीवीआर भी गायब है। सबसे अहम खुलासा सचिन वाजे की तीन कंपनियों को लेकर हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वाजे की कंपनी में शिवसेना के नेता पार्टनर है। एनआईए सचिन वाजे के रोल को पूरी तरह एस्टैब्लिश करने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि क्या एंटीलिया के बाहर पीपी किट पहने जो शख्स नजर आया था वो सचिन वाजे है। इसकी तस्दीक करने के लिए एनआईए एक डेमो करेगी। सचिन वाजे को पीपी किट पहनाकर और चलाकर देखा जाएगा कि क्या इसकी चाल ढाल वीडियो में देखे शख्स से मेल खाती है। एनआईए एंटीलिया के बाहर सीसीटीवी फुटेज को भी नए सिरे से खंगाल रही है। इस बीच सचिन वाजे पर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। सचिन वाजे जिस इमारत में रहता है उसकी सीसीटीवी फुटेज गायब है। 2 मार्च को कुछ पुलिस वाले इस इमारत में आए थे और वो अपने साथ सीसीटीवी की डीवीआर लेकर चले गए। बड़ी बात यह कि 1 मार्च को ही सचिन वाजे से ये केस वापस लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज गायब होने के 3 दिन बाद मनसुख हिरेन की लाश मिली थी। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में AK-47 राइफल से अंधाधुंध फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। फायरिंग करने वाले शख्स का क्या इमरान खान की पत्नी के साथ कोई कनेक्शन है? देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।